हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड। आई एम डॉक्टर रक्षा मिश्रा। आज मैं आपका यूनिट सेकंड की का नया टॉपिक लूँगी, प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, या हम ये कहेंगे प्राथमिक असंगत संरचनाएं स्तंभ के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब मैंने स्टेम की एनाटॉमी ली थी, मोनोकोटोडायकोट स्टेम की एनाटॉमी बताया था, तब उसमें मैंने बताया था कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डायकोट स्टेम के अंदर एक सिस्टमैटिक रिंग में उपस्थित होते हैं या नियमित वलय में व्यवस्थित रहते हैं, परंतु मोनोकोट स्टेम के अंदर ये ग्राउंड टिश्यूज़ में बिखरे हुए होते हैं। ये एक नॉर्मल करैक्टर है स्टेम का, परंतु कुछ स्टेम्स में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो नॉर्मल संरचनाएं जो मैंने अभी बताई थी उसके विपरीत होती हैं, उससे भिन्न होती हैं। और ये जो असामान्य संरचनाएं जो पाई जाती हैं, इन्हें असंगत संरचनाएं कहा जाता है। तो प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? वो स्ट्रक्चर, वो असंगत स्ट्रक्चर जो नॉर्मल जो टिश्यूज थे संवहन पूल से डिफरेंट होते हैं। कुछ पौधों में या अधिकतर अनेक पौधों में ये असंगत संरचनाएं प्रारंभ से ही उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी एनिमलस स्ट्रक्चर कहा जाता है या प्राथमिक असंगत संरचना कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ पौधों में ये असंगत संरचनाएं द्वितीयक वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती हैं या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में उत्पन्न होती हैं, तो इन्हें सेकेंडरी एनिमल स्ट्रक्चर या द्वितीयक असंगत संरचना भी कहा जाता है। द्वितीयक असंगत संरचना का वर्णन मैंने यहाँ पे इसलिए किया, जिक्र इसलिए किया ताकि आपको प्राइमरी एनिमलस और सेकेंडरी एनिमलस स्ट्रक्चर में अंतर समझ में आ जाए। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर है टाइप्स ऑफ प्राइमरी एनिमलस स्ट्रक्चर्स। ये करीबन 8 मैंने लिखे हैं इनके स्ट्रक्चर्स जिस टाइप के पाए जाते हैं, 8 हैं। 3 ए बी सी के मैंने डायग्राम भी बनाए हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे समझाऊंगी। ए जो है उसका है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। अब स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जैसा कि इसका नाम इसको बता रहा है, इन डायकोटिलेडन्स, मैंने आपको ऊपर सबसे पहले ये बताया था कि डायकोटिलेडन स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं, परंतु यहाँ ए में क्या हो रहा है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो क्या असंगत संरचना मिली इसके अंदर कि वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड हो गए? ये असंगत संरचना जब डायकोटिलेडन्स के अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हो, तो ऐसी असंगत संरचना प्राइमरी संगत संरचना पाई जाती है। और ये इस टाइप की जो वो होती है असंगत संरचना, वो प्रिमिटिव फैमिलीज के प्लांट्स में ज़्यादातर पाई जाती है, जैसे रैरनकुलेसी के अंदर एनिमोन, निम्फियसी की निम्फिया, पेपरेसी की पेपर। मैंने पेपर का डायग्राम भी बनाया है, आप देखिए, उसके अंदर आपको दिखेगा लगेगा बिल्कुल कि कैसे जो है वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं, डायकोटिलेडन स्टेम के अंदर बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित हैं। फिर हम लेंगे बी, जो कि जो है वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग्स इन मोनोकोटिलेडन्स। फिर
फिर वही मैंने सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मोनोकॉटिलेडन स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यूज में स्कैटर्ड होते हैं, परंतु यहाँ पे असंगत करैक्टर क्या हुआ कि वेस्कुलर बंडल्स मोनोकॉटिलेडन स्टेम में व्यवस्थित हैं, ये इसका एनामलस स्ट्रक्चर है। और क्योंकि ये प्रारंभ से ही उपस्थित है इसलिए इसको प्रिमिटिव, ये सॉरी प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर कहा गया है। ये अधिकतर पोएसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिटिकम का डायग्राम मैं बना ही चुकी हूँ, आप देखिए इसके अंदर बाहर जो ग्राउंड टिश्यूज हैं उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो दो रिंग में, दो अधिक चक्रों में, दो चक्रों में व्यवस्थित हैं, बिखरे हुए नहीं हैं। ये इसका ट्रिटिकम एग्जाम्पल है। इसके अलावा लिली से फैमिली के में भी ये पाया जाता है। अब हम लेंगे तीसरा जो है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ऊपर भी जैसे नाम के अनुसार ही था, तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो हमेशा पेरिसाइकिल की परिधि के अंदर होते हैं। पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस होती है और जो कॉर्टेक्स होता है वो एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। ये एक जनरल एनाटॉमिकल करेक्टर है स्टेम का। परंतु अब क्योंकि ये कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं तो निश्चित रूप से कॉर्टेक्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उन्हें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स, कॉर्टिकल बंडल्स कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल करैक्टर, स्टेम के करैक्टर से अलग असंगत करैक्टर पाया जा रहा है, इसलिए इसको भी प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिया गया है। और ये जो कॉर्टेक्स के जो संवहन पुल के जो पादप जगत में कम से कम 38 फैमिलीज में ये पाए जाते हैं, जैसे कैजुराइनेसी का कैजुराइना में, ओलिएसी का निक्टेंथिस में, निक्टेंथिस का मैंने डायग्राम भी बनाया देखिए आप, और फेबिसी का लेथायरस में, इस प्रकार से ये 38 फैमिलीज में पाया जाता है। ये एक्चुअली अगर हम इसको एनाटॉमिकली देखें तो प्रकृति में पर्ण ट्रेस के जो संवहन बंडल होते हैं, जो पर्ण व्रत में जाने के पहले, मीन्स पीटियोल में जाने से पहले कुछ दूर एक वल्कुट में से गुजरते हैं, तो ये होते हैं एक्चुअली कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स बनने का कारण ये है। और विभिन्न पादपों में के वल्कुट में इनका जो विन्यास होता है या संगठन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं पहले सबसे पहले निक्टेंथिस को समझाना चाहूँगी आपको कि निक्टेंथिस में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, वेज शेप्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और एक्सा। मैंने डायग्राम नहीं बनाया पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ उसको मैं समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो आपको लाइमोनियम में पाए जाते हैं और लाइमोनियम के अंदर एक बीजपत्री पादपों के समान ये जैसे मोनोकॉट्स जो होते हैं, स्टेम होते हैं, उसकी तरह लाइमोनियम में ये कॉन्जॉइंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, कोलेटरल होते हैं परंतु स्कैटर्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे कैजुराइना का। कैजुराइना के अंदर जो इसमें द्विबीजपत्री के समान सामान्य संवहन पुलों का एक वलय वल्कुट में पाया जाता है, सामान्य संवहन पुल होते हैं और ये वलय अंतःशय्या के भीतर पाए जाने वाले संवहन पुलों के ऑल्टरनेट, मतलब जो जो वेस्कुलर बंडल्स एंड पेरिसाइकिल के अंदर उपस्थित हैं उसके ऑल्टरनेट कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स कॉर्टेक्स में उपस्थित होते हैं कैजुराइना में। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट।
नेक्स्ट कोलेंको, कोलेंको एग्जाम्पल ले रही हूं मैं कोलेंको का, जिसमें एम्फीक्रेबल बंडल या दारू केंद्रीय बंडल पाए जाते हैं, और इसमें संवहन बंडल के केंद्र में जाइलम होता है और चारों तरफ इसके फ्लोएम पाया जाता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज लोबेलिया, एग्जाम्पल है लोबेलिया। इनके अंदर एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें फ्लोएम संबंध बंडल केंद्र में होता है और इसके चारों तरफ जाइलम पाया जाता है। तो ये मैंने आपको जो बताए हैं सारे, इसमें चार प्रकार के कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, उनकी पोजीशंस कैसी होती हैं वो मैंने आपको समझाई हैं। डायग्राम मैंने एक निक्टेंथिस का बनाया है, पर चार एग्जाम्पल देके समझाया है मैंने आपको। तो ये आपके तीन प्राइमरी एनिमल स्ट्रक्चर्स मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। थैंक यू।